हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जेएच टाइम। आइए देखते हैं शफीक भाई की सेकंड पेज और देखते हैं क्या होता है। शफीक भाई एकदम ऊपर चढ़ाए हुए हैं सीधा सीधा और फिर से नीचे बैठा ला इन्होंने और फिर से ऊपर से गट्टू आ गए हैं और फिर से जो है डुबोया है और कट गई शफीक भाई की, चूँकि जो है बल पे लिए थे एकदम सलाख डोर रखे थे और ये ऊपर से जो है मार के पटक गए उस पर, बाल पतंग कट गई। दोस्तों देखते हैं अगली वीडियो, शफीक भाई ने एक काटा और एक कट गए और फिर से दानिश साहब जी हमारे उड़ाते हुए, देखते हैं दानिश भाई हमारे। हवा तो खैर बहुत अच्छी है और देखते हैं कि क्या होता है। दानिश भाई किसके हाथ का मंजा आप लड़ा रहे हैं? किसका? रिफाकत साहब का मंजा हमारे दानिश भाई जो है लड़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। ये मंजा जो है वो तो दिखने में ही बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा मंजा है, इसको आप लड़ाइए। तो कलर भी और जैसे जो है मोटा मंजा दिख रहा है। मंजे तो बाकी अलग है। हाँ, ये मंजा तो दिख तो रहा है दिखने में जब और रिफाकत जो है बहुत अच्छा है, जो है मंजा सूत्र उनका बड़ा नाम है, अभी बहुत पतंग उनकी लोग। और इधर शादाब और शफीक भाई और जो है गुड्डे भाई लोगों की लड़ रही थी और गुड्डे भाई ने काट दिया है, दो टीमें लड़ रही हैं। गुड्डे भाई ने पहले दानिश भाई से तय किया था लेकिन फिर गुड्डे भाई ने जो है आगे पीछे की वजह से कैंसिल कर दिया, तो अभी जो है इन लोगों की जो है दानिश भाई की जो है लड़ रही है गट्टू लोगों से। जो ये साइड पे आप देखें हरी टंकी रखी हुई है, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से ये जो ये यहाँ से उड़ रही है वो पतंग, ठीक है वो देखें जो है जहाँ टीन है यहाँ पर। और दानिश भाई हमारे आ गए मैदान में और उम्मीद है कि अब की से हमारे दानिश भाई जो है बहुत अच्छी खींच जो है दिखाएंगे अपनी, तो देखते हैं। पीछे से हटे रहो और पतंग दोस्तों गट्टू लोग एकदम ऊपर ऊपर एकदम बढ़िया हवा पे रखे हुए हैं और दानिश जो है बिना हवा पे अंदर घुसता हुआ और वो हवा पे रखे हुए और और दानिश का पतंग जो है काफी आगे है, या तो फिर कन्ना ही मार दे दानिश, इसलिए कि बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से भी पतंग जो है उतर कट जाती है, एकदम वो सलाख रखे हुए हैं। कमर पार्टी
वो पतंग भी कम है और बहुत ही मजबूत पतंग जो है अपनी पेज को रखा है वो उसने, यानी कहीं से ढीली नहीं रखी है। और बहरहाल जो है पतंग कट गई है दानिश की।